बियाहे खातिर भैली भिखारन, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण, सोना चांदी बेच दिहली बेटी के कारण, बेच दिहली नाथुनी बेच दिहली नाथुनी, झुलनिया हो राम बनी कैसे बेटी, दुल्हनिया हो राम बनी कैसे बेटी, दुल्हनिया हो राम। दहेजिया के कैसन दहेजिया के कैसन, चलनिया हो राम बनी कैसे बेटी, दुल्हनिया हो राम बनी कैसे बेटी, दुल्हनिया हो राम। राम 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 हरे राम हरे राम हरे राम। अरे ओ राधा बेटी, अगरबत्ती और माचिस लेके आ। राधा नहीं है। अरे ठीक है, आप ही अगरबत्ती और माचिस लेकर आइए। हाँ ये लीजिए। हाँ। राधा बेटी कहाँ है? वो नहीं है ना, सुबह ही कॉलेज चली गई है। अच्छा ठीक है। ठीक खा लेना, देखो पूरा शरीर भीग गया तालाब में, जाओ कपड़ा बदलो नहीं तो बुखार आ जाएगा। अरे बेटा तालाब में क्यों स्नान करती है? तालाब का पानी खारा होता है, सर्दी जुकाम हो जाता है उसमें भीगने से। हाँ ठीक ठीक है बापू जी, नहीं जाऊंगी। हाँ ठीक है बेटा, जाती हूँ मैं सोने के लिए। जा बेटा। बहुत परेशान लग रहे हो जी, बात नहीं बनी क्या? क्या बात बनेगी, जहाँ भी जाता हूँ लड़का वाला दहेज की मांग करता है, लगता है के लिए सोने की सिकड़ी, उनके परिवार वाले और सभी रिश्तेदारों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं?
आप चिंता मत कीजिए, पहले पानी पीजिए। भगवान सब ठीक कर देंगे। भगवान क्या ठीक करेंगे, अभी क्या कह रही है, बहुत दिन से देख रहा हूँ। पहले पानी पीजिए ना, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा, सब चीज का व्यवस्था हो जाएगा। बाऊजी उठिए ना, दवा खा लीजिए बाऊजी, आराम से बाऊजी, आराम से, आराम से। आराम से बाऊजी, आराम से, आराम से। भगवान, हम मानते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन गरीब होना क्या गुनाह है कि उसी गुनाह की सजा आप दे रहे हैं कि मेरी बेटी की शादी तोड़ दी। मेरी बेटी की शादी, भगवान अब किसके द्वार जाऊंगा। अब किसके द्वार जाऊंगा। मैं हर रोज काम पे लेट हो जाता हूँ, कभी टाइम पे नहीं पहुँच पाता हूँ। मुझसे कुछ मत बोल, जो कुछ कहना है ना अपने बाबूजी से जाके कह। माँ, तो बाबूजी को बोलना माँ, तुझे नहीं डांटेंगे माँ, तुझे बहुत डांटेंगे। हमें कुछ मत बोल भाई, मुझे एक पाइप पिला देना माँ, हमेशा काम पे लेट पहुँचता हूँ। जो भी कहना है अपने बाबूजी से जाके बोल। माँ तू भी ना मुझे ही डांट सुनवाएगी माँ, तू बोल ना माँ, चल जाके उन्हीं से बोल। तू भी ना मुझे ही डांट सुनवाएगी। ये देखिए 5,075 रुपया 8 आना रवि जी ले गए हैं साइट पे लेबर को बांटने के लिए हमसे मांग कर। बाबूजी बोल क्या बात है। कुछ नहीं बाबूजी। रुको मैं सब समझ रहा हूँ, तुम्हें गाड़ी चाहिए ना। हाँ बाबूजी। ये सपना देखना छोड़ दे, जब तुम्हारी शादी करूंगा तब मैं गाड़ी दूंगा, वो भी लड़की वालों से मांग के दहेज में। अभी गाड़ी का सपना देखना तू भुला जा। ठीक है भाई, कैसे हो भाई? और बस अच्छा हूँ। अरे सुनो ना, इस बार लेबरों का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, ऐसा करो ना अगले सप्ताह उन सबों का पेमेंट कर दूंगा। लेबरों से बोल देना। क्या सुन रहे हैं? चल निकल निकल इधर से। भाई साहब हम तो ये बताने आए हैं कि ईंट सारा खत्म हो चुका। अरे ईंट कैसे खत्म हो गई, अभी तो 2 दिन पहले मैंने ईंट मंगवाया था, क्या हुआ? वो इतना मोटा दीवार बनवाओगे तो ईंट तो खत्म होगा ही ना, इससे काम बंद हो जाएगा। अरे कैसे काम बंद हो जाएगा? ए, 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 अरे परेशान कर दिया ये मुझे, कहां कहां से मैं ईंट लेके आता हूं, और ये है कि यार मैं समझा रहा हूं। अरे मौसी के यहां से पैसे लेकर के मैंने ईंट मंगवाई है, और ये है कि तोड़ रहा है। अबे बर्बाद करने पे लगा है मुझे, ये हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। विनय सीमेंट तो है लेकिन ईंट का इंतजाम कैसे करें? कोई राहत नहीं है। क्या करूं भाई, समझ में नहीं आ रहा। बस इतना ही ईंट बचा हुआ है, चिमनी वाला भी इतना सामान है, सीमेंट वाला को भी देना है।
झाड़ गिट्टी वालों वाला भर देना है। चलो ऊपर देखते हैं। समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। देखते हैं क्या कर। अज्ञानी बाबा के दरबार में खुश रहो। देखिए बाबा मेरा हाथ मेरी बेटी के साथ नहीं। अज्ञानी बाबा तुम्हारी हाथ की रेखा साफ साफ बता रही है और तुम्हारी बेटी की शादी बड़े राजा महाराजा की पोते से होने वाले है। अज्ञानी बाबा के दरबार में खुश रहो। देखिए जंतर में कुछ भी नहीं है, ढोली बाबा है। एक दो जगह मैंने पैसों के लिए बात की है, क्या पता शायद इंतजाम हो जाए। भैया दो चाय देना। आओ सुनो बैठो, चाय के साथ दो गिलास पानी भी लेकर बैठो ना। सुन भाई। हम्म। यार रवि अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या हुआ तुझे कुछ पता नहीं है? अरे तो कुछ तो बताओ, हुआ क्या है? अब क्या रखा है बताने के लिए, सारे लेबर लोग उल्टे सीधे काम करते हैं, अब कोई मेरा बात सुनता ही नहीं है। और ऊपर से मैं कुछ बोलता हूँ तो 10 बात मुझे ही सुना कर चले जाते हैं। यार तुम कुछ करो। अरे तो मेरे जेब में भी तो 1 रुपए नहीं है, क्या करूँ मैं? और फिर वो बालू सीमेंट गिट्टी सबकी उधारी है, क्या करूँ मैं? देखो मेरे पास 1 रुपए नहीं है। यार इसमें मैं क्या करूँ, ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना। हाँ मैं मानता हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है, समझ में भी तो नहीं आ रहा मेरे। ठीक है फिर भी मैं कुछ कर रहा हूँ। पी लो चाय आखिरी बार, कल से उधार देना बंद। अब लो, जेब में पैसे ना हो ना तो चाय वाले भी सर पे चढ़ जाते हैं। सुन भाई चाय पिया सो पिया, लेकिन तूने मेरी इज्जत की वाट 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 की वाट 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 लगा दी। नहीं नहीं, अरे सुनो ना, अरे रुको तो, मुझे चाय पीना ही नहीं। रुको ना यार, नहीं पीना है भाई चाय, नहीं पीना है। सुनो ना विनय, विनय जेब में पैसा नहीं है और समोसा खाने आ गए। अरे यार रुको तो सही, बात तो सुनो मेरी। अरे सुनो, अरे यार सबसे पहले तुम पैसे की प्रॉब्लम को सॉल्व करो। अरे अरे यार तू टेंशन मत ले यार, कुछ यार मेरी बीवी बीमार है, कुछ पैसा दे। अबे भाग जा यहाँ से, आ गया ये भी पैसे मांगने, जले पे नमक छिड़कने के लिए। दिन भर कुछ काम करता नहीं है, आ जाता है पैसे मांगने के लिए, भिखारी कहीं का। जा काम कर अपना। मेरी बीवी बहुत बीमार है भैया। पैर पकड़ते हैं भैया, पैसा दे दो। मेरी बीवी बहुत बीमार है भैया, बहुत बीमार है भैया, दे दीजिए। अरे क्या कर रहे हो? ये ले पैसे और जाके अपनी बीवी का इलाज करा। भैया भैया साइकिल दे देते तो अच्छा। अबे चढ़ा जा रहा, साइकिल चाहिए तेरे को? उस दिन मेरी साइकिल ले गया, पूरी खटारा बना दिया, फिर आ गया साइकिल मांगने के लिए। ये बता अब मैं घर कैसे जाऊंगा? अरे अरे यार उसकी बीवी बीमार थी यार। तो यार ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। अरे तू टेंशन मत ले, मैं कुछ भी ना यार, तुम कुछ भी कर देते हो। विनय सुन ना, तू परेशान क्यों हो रहा है, पैसे आ रहे हैं ना यार। बाबूजी, 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 कुछ पैसे चाहिए थे। किस लिए? बाबूजी, साइट का सीमेंट खत्म हो चुका है, बालू खत्म हो चुका है, गिट्टी भी नहीं है। अगर कल पैसे लेके नहीं जाऊंगा तो काम बंद हो जाएगा बाबूजी। पिछले बार तुमको जो पैसा दिए थे, लेते टाइम तुमने कहा था कि 10-15 दिन में लौटा देंगे, पर तुमने 1 पैसा भी अभी तक नहीं लौटाया है। बाबूजी पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है तो मैं कहां से लाके दूं? अब मेरे पास मात्र 300 रुपया है, अब मैं तुझे 1 पैसा भी नहीं दूंगा। जी सर नमस्कार सर। जी सर ठीक हूँ, आपके ही फोन का इंतजार कर रहा था सर मैं। जी काम बिल्कुल अच्छे से चल रहा है सर,
आपका काम टाइम पे कर दूंगा सर, आप टेंशन मत लीजिए, होली तक आपका काम पूरा हो जाएगा सर। जी सर। क्या सर 50%? वो भी चेक के द्वारा? जी सर, जी सर, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए सर, चिंता मत कीजिए सर, आपका काम सही टाइम पे होगा सर। जी सर, जी सर, नमस्कार सर। अरे क्या हो गया भैया? कुछ नहीं, बंद हो गया है, अभी चालू करता हूँ। उतरो तो, उतरो तो। अब क्या हुआ? अरे ये तंबूरा को कहां से पकड़ के लाया? अरे वो लगता है आज का दिन ही खराब है। अरे दिन नहीं खराब है, ये अपना खटारा अपने पास रखो। ए, सुन, इस जमुरा को यहीं छोड़, अटू चल, चल। ए, ए, पैसा तो देते जाओ। सुन, 100 रुपए दे दे, दे दे 100 रुपए, दे दे, चल, 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 पता नहीं कहाँ से पकड़ कर आता है, रास्ते में ही छोड़ दिया। इक्के वो गाड़ी था स्टैंड में, तो क्या करो? खराब कर दिया, अरे कहीं और से पकड़ कर लाता। चलिए ना आगे देखते हैं। दिन भर खाली काम कराता रहता है हमसे गधा की तरह, पेमेंट वेमेंट बढ़ाता है ये नहीं है। प्रणाम मुंशी जी। अरे प्रणाम प्रणाम, आइए बैठिए। प्रणाम। मैं मालिक को बुलाता हूँ। अरे मालिक जी, लड़की वाले आए हैं। चाचा जी, घर तो बहुत बड़ा है, अब आगे देखिए क्या होता है। घर तो ठीक है, लेकिन दहेज में कितना मांगेंगे कुछ पता है? प्रणाम। 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 बैठिए। अरे चंदू, तू तो वही है ना जो नदी किनारे बंसी बजाया करता था। मालिक। चाचा जी, ये रही लड़की की फोटो और ये उनके पिताजी। प्रणाम प्रणाम। लड़की तो अच्छी है, लेकिन आमने सामने देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता। ठीक है, एक शुभ दिन देख के, है ना, आप आ जाइए, बहुत मेहरबानी होगी। जी ठीक है, अब हम चलते हैं। पना, 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 पना। अरे रवि बाबू, रवि बाबू, हमको भी मुंह मीठा करा दीजिए ना। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लड़की वाले आए थे आपको देखने के लिए। जेब में पैसे नहीं है तो मुंह मीठा कहाँ से कराऊं? भीख मांग के कराऊं क्या? गांव बसा नहीं, भिखारी पहले आ गए, बड़ा आया मुंह मीठा करने वाला। चंदा कैसेट्स,